बड़ा जो है ऐतिहासिक मेला माना जाता है एकदम। तो ये मेला का जो खास खास क्या है, ऐसे चीजें हैं जिसको लोग जो कहता है उपलब्ध है, पढ़ा खोड़ा है, अभी आपको 4400 पढ़ा का खोड़ा आएगा, उसके बाद उद्घाटन के लिए अभी 4400 पहाड़ राजा लोग आएंगे। और उत्तराखंड नैनीताल, क्या बोल रहे हैं? उत्तराखंड नैनीताल, उत्तराखंड नैनीताल से। जी जी, जोहार, नमस्कार। आज मुड़मा मेला हम लोग आए हैं और मुड़मा मेला का जो खास जगह है आपको हम सामने दिखाने का प्रयास करेंगे। ये ही एक मेन जगह है मुड़मा मेला का, जहाँ पर जो पहान है, राजा महाराजा है, जो अभी सभी के माध्यम से आज मेला का जो शुभारंभ किया जाएगा वो लगभग 3 बजे किया जाएगा और हम उसी जगह में हैं आज। और यहाँ पर जो मेला का जो खास है, मेला का कुछ सदस्य लोग हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि ये मेला जो है ऐतिहासिक मेला जो मुड़मा मेला होता है, इसमें कुछ लोग मिले जैसे ये कमेटी के सदस्य भी हो सकते हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो मेला है इनका क्या क्या विशेषता है, क्यों खास है, इसके वजह से हम जानने का प्रयास करते हैं। दादा, सबसे पहले आपको जोहार। हाँ, जोहार 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 जोहार। आज जो मुड़मा मेला मेला जो है लग रहा है काफी दिनों से लगे आ रहा है और ये मेला जो है ऐतिहासिक मेला माना जाता है एकदम। तो ये मेला का जो खास खास क्या है, ऐसी चीजें हैं जिसको लोग जो कहता है ये ऐतिहासिक मेला, आखिर आप कैसे कहते हैं? ये ऐतिहासिक मुड़मा जत्रा है, मेला जो बोले आप गलत बोले, ये मुड़मा जत्रा है। अच्छा, जत्रा जो है ऐतिहासिक है और जत्रा यानी कि 4400 पढ़ा जो होता है, यानी कि 7 पढ़ा, 12 पढ़ा, 21 पढ़ा, 40 पढ़ा के लोग आते हैं और यह खेला ड्रामा जो होता है, यानी कि सिस्टम कस्टम जो है ये ऐतिहासिक है और ऐतिहासिक मुड़मा जत्रा है। जत्रा का सिस्टम ही है, जत्रा में जितना भी आप देख रहे हैं, मांदर देख रहे हैं, ढोल नगाड़ा देख रहे हैं, ये संस्कृति का पहचान है। ये पहचान के द्वारा आज जो है मुड़मा जत्रा, आज इसको यानी कि 100 साल से भी पहले से हुआ होगा, जो 100 साल या 45 साल तो मेरा आप लोगों को भी कहीं कहीं ख्याल नहीं है एकदम ना। हाँ, 100 साल से पहले लग रहा है, अभी तो मेरा 45 साल हुआ, लेकिन उस समय सब जान रहे दादा पर दादा के समय से ढंग से ये जत्रा बहुत अच्छा है। और इस जत्रा का मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ जितना भी ढोल नगाड़ा इस जगह मिलता है, ढोल नगाड़ा या मंदर है या नगाड़ा है, सारा चीज मिलता है। इसके सिवाय आपका हड़ुआ है या जाल है, बहुत सारे चीज जो चीज है यहाँ पर मिलता है। ये सिस्टम है शुरू से चलता आ रहा है, बहुत बढ़िया है। और क्या क्या खास चीज है जो आदमी को ज्यादा अट्रैक्ट करता है, आदमी को आना चाहिए इस मेला? और मेला का आज प्रथम दिन है सर, एकदम है, प्रथम दिन शुरुआत है, यहाँ आना चाहिए। क्या क्या लोगों को खाने पीने के लिए बढ़िया बढ़िया चीज मिलता है, यहाँ हड़ुआ मिलता है, आप जानते हैं हड़ुआ, जो हड़ुआ हड़ुआ जो कि उसको अचार बनाते तरीके से चटनी बना के खाते है, बहुत अच्छा चीज है। उसके बाद मेला में आपका एक से एक आपको झूला मिलेगा देखने के लिए, एक से एक आपका मौत कुआ दिखेगा, यानी सारा सिस्टम जो है, बहुत सारे चीज है जो कि ये जत्रा में ये उपलब्ध है, ये सारा चीज से एकदम परिपूर्ण है। झारखंड को बचाने वाले जो भी संस्कृति है एकदम परंपरा के जो चलाया रहे लगातार आप लोग, हम सब लोग, हाँ इसमें तो ये सारे चीज जो है यहाँ पर एकदम एकदम उपलब्ध है। पढ़ा खोड़ा है, अभी आपको 4400 पढ़ा का खोड़ा आएगा, उसके बाद उद्घाटन के लिए अभी 4400 पहाड़ राजा लोग आएंगे और पूजा पाठ यहाँ पर करेंगे। अभी थोड़ी देर बाद में आपको देखने के लिए अवश्य मिलेगा, 4400 पढ़ा के राजा लोग आएंगे, 4400 दिया यहाँ पर बढ़ेगा इस जगह। अच्छा, अभी आएंगे, अभी बजे आएंगे? बस अभी 3 बजे एकदम आ जाएंगे मजा से, आप देखिएगा एकदम। अच्छा, 3 बजे आएंगे और 4400 पढ़ा के जो है पहान राजा सब आएंगे, राजा लोग आएंगे यहाँ पर। जैसा कि अभी पता चल रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी आने वाले, आज नहीं आएंगे, कल आएंगे, कल आने का व्यवस्था है, आज नहीं है। और एक चेहरा जैसे राज्यपाल का भी नाम आया तो भी कल आएंगे, कल आएंगे, आज आज नहीं जो है आप लोग बस बस आज हम लोग रहेंगे। और मुख्य कोई में से मैं कोई महत्व पहान ही जो है पूरे क्षेत्र के 4400 पढ़ा के महत्व पहान ही जो मुख्य है वो लोग आएंगे और उन्हीं के द्वारा जत्रा का उद्घाटन होगा। 4400 पढ़ा कर दिया जलेगा, सारा सिस्टम कस्टम होगा, उसके बाद में आपको आंखों देखी मिलेगा काल, उसके बाद में मुख्यमंत्री नेतागण काल आएंगे भाई, काल 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 कल आएंगे कल। आपका नाम क्या हुआ सर? राजू खलको मेरा हुआ नाम। और हम वही है कि पूर्व में हम यहाँ का जत्रा का सचिव रह चुके हैं, अध्यक्ष मेरा जगराम जी थे, हम सचिव रह चुके हैं 14, 15, 16, हम 3 साल का जो चेंजिंग होता है उसमें हम सचिव रह चुके हैं इस जत्रा का, मुड़मा जत्रा का अध्यक्ष जगराम जी भूतपूर्व सचिव रह चुके हैं इस मेला का। और इन्होंने बताने का प्रयास किए कि जिस तरह से यहाँ पर जो मेला जो ऐतिहासिक मेला जो लगता है मुड़मा मेला, वो काफी संस्कृति को बचाने के लिए एक से एक ढोल नगाड़ा मांदर तमाम चीजें जो आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आपके सामने दिख रहा है ये आपको नगाड़ा देखने को मिल जाएगा, उधर आपको मिल जाएगा मांदर मिल जाएगा, ये तमाम जगह जहाँ जहाँ भी आपको देखिएगा ये सारे जगहों में जो है आपको देखने को मिल जाएगा। आप कहाँ से आए हैं? काके बनारा। आप क्या लेकर के आए हैं? नागरा ढाक। नागरा ढाक,
ये जो डाक दिख रहा है ये क्या है? नगाड़ा है। नगाड़ा, नगाड़ा जो है ये कितना रेट का होगा भाई? 3800 का है। कितना? 3800। 3800 का है। आपके पास क्या क्या उपलब्ध है? वही नगाड़ा, ढाक है, ढोल है। कहा ढोल? कहा है ढोल? ये हुआ, ये ढाक है आपका। और भी क्या क्या आपके पास चीज है? ढोल, मांदर उन्दर ही सब? मांदर तो नहीं, मांदर नहीं है ना। और भी जैसे आपके पास और क्या क्या उपलब्ध है? आपका ऑफिस है? उपलब्ध वही उतने से है, ढाक नगाड़ा ढोल ये सब बनाते हैं। अच्छा, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। एक बार थोड़ा सा हम बजाने के लिए कहेंगे, थोड़ा सा बजा बाबू एक धुन, थोड़ा सा देखते हैं किस तरह का बजता है। यहाँ पर एक और शख्स है जो मांदर लेकर कहा है। दादा आप कहाँ से आए? हम लोग निहालोटी पाटोली से है, बोरो थाना। अच्छा, तो आप लोग खाली मांदर बेचते हैं? हाँ हाँ, मांदर बेचते हैं। मांदर का धुन थोड़ा बताइए ना, कैसे बजाते हैं बताइए। कितने का मांदर आई है? 4500। 4500 का? हाँ। और क्या क्या बना लेते हैं? ढाक नगरा। ढाक नगरा सारे कुछ बनाते हैं? हाँ। आप इस तरह से देख सकते हैं, जहाँ जहाँ आपका नजर जाएगा आप देख सकते हैं पूरे आपको ढोल ढाक नगरा मांदर सारे कुछ जो है मुड़मा मेला में देखने को मिलेगा, और बहुत ही अधिक से अधिक तादाद में मिलेगा लोग। आज जो है इसका आज स्टार्टिंग डेट है, और मुड़मा मेला जो आज पहला दिन है, ये पहला दिन में आपको एक से एक चीजें जो है आपको मिल जाएगा। आपको खास करके ढोल नगाड़ा जो है बहुत मात्रा में है, और आपको अनेक जगह ले चलते हैं और दिखाने का प्रयास करते हैं। ये आप देख पा रहे हैं ये छोटा वाला ढोल है, अब इसको बजाइएगा। देखिए बच्चा सबके लिए ले जाता है, बजाता है। इधर भी भैया लोग हैं, इन लोगों को भी देख लीजिए, इस तरह से पूरे छोटा छोटा जो है ढोल लेकर के चले हैं। और कितने का है भाई? 600 रुपए का। 600 का? कहाँ से हो? उत्तराखंड नैनीताल। कहाँ बोल रहे? उत्तराखंड नैनीताल। उत्तराखंड नैनीताल से आए? जी जी। बहुत ही बड़ी बात है, देखिए उत्तराखंड नैनीताल से आए हैं, और ये जो है छोटा वाला ढोल जो है बेच रहे हैं मुड़मा मेला में, क्योंकि ये जो मेला है ये ऐतिहासिक मेला है, और यहाँ जो है बहुत दूर दराज से बाहर से भी लोग आते हैं, झारखंड राज्य से अलग अलग जगह से भी लोग आते हैं, और आकर के जो है ढोल नगाड़ा से तमाम ऐसे ऐसे चीज जो है, जो आपको बहुत ऐसे मेला जहां आपको देखने को नहीं मिलेगा, और जो इस मेला में आपको देखने को मिल जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि इधर भी भैया है, इधर भी लेकर के आए हैं। ये भी कहाँ से आप आए हैं? उत्तराखंड नैनीताल। ये भी नैनीताल उत्तराखंड से है, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। आपको देखिए भारत से अलग नैनीताल से बता रहे हैं, वहाँ से आए और ये अपना सामान को बेच रहे हैं। किस तरह का मेला है यहाँ पर? ये हम तो बहुत कह रहे हैं बहुत फैंटास्टिक मेला है, सबसे बड़ा मेला ये होगा। इससे पहले आ रहे हैं कि पहली बार? पहली बार ऐसे हमारे पिता लोग आए, बहुत बार आ चुके। अच्छा, आपका पिताजी से बात? हाँ, बहुत फादर वहाँ रहते हैं, वो बहुत बार आ चुके। अच्छा, बहुत साल हो गए। कहाँ जाते हैं अपना बेचने? हम लोग बहुत जगह दूर दूर, केरला, मद्रास, कोचीन, तिमांद्रा, चेन्नई, झारखंड, रांची, बिहार, बंगाल, गुजरात, नेपाल, सभी गए, कश्मीर, अश्मीर, सब जगह जाते हैं। अच्छा, कश्मीर, सब जगह जाते हैं। सब जगह आप लोग जाते हैं? सब लोग बेचते हैं ना? क्या कितना कॉस्टली लग जाता है ये? कॉस्टली बनाने में हमको लग जाता है ऐसे 250 रुपए लग जाते हैं, इसको 400-500 का भेज देते हैं, और जब नहीं भी गए तो कम बढ़ती तो बेची देते। वहाँ से आप लोग नैनीताल से कैसे आते हैं? ये ट्रक वो पार्सल करके लेके लेवाते माल। अच्छा, पार्सल से मंगवाते हैं? शहर बस। जितने लोग आप लोग जो है सब इधर रूम लेकर के होंगे? हाँ, इधर ही है सब लोग, पार्सल से मंगवाते हैं। हाँ, मंगाते हैं जैसे भी हो। हाँ, कहीं ट्रक, बस से, कहीं से, लोरी से, सभी से मंगा लेते हैं। ये आप देख पा रहे हैं कि नैनीताल से बहुत दूर दूर से लोग हैं जो है आ करके मुड़मा मेला में जो है छोटे छोटे ढोल जो बच्चे के लिए जो पसंदीदा होता है, छोटे बड़े सब तरह का जो ढोल जो ये लोग बना करके बेचने का काम करते हैं।
तब तक के लिए फिर चलते हैं दूसरे जगह और भी चीजों को दिखाने के काम करते हैं। छोटी से जी, ये आप ढोल बेचते हैं? ढोल बेचते हैं। अच्छा, हमेशा हमेशा? पहली बार आए का ये मेला में? नहीं, तीन बार हो गया। तीन बार? अच्छा, कैसा लग रहा है मेला? है मस्त? मस्त लग रहा है। लेकिन अच्छा, सेल बढ़िया होता है कि नहीं? होता है। कितना रेट का ये? वही 4,500। 4,500 का? हाँ, एक तो 4,500 का। हाँ हाँ। अच्छा, और भी जैसे कहीं दुकान उकान है का इधर की सीधे वहीं से आते हैं हमेशा? वहीं से आते हैं। झारखंड में बेचते हैं कि सिर्फ यहीं? यहीं और उधर रामरेखा में। रामरेखा में भी? हाँ। अच्छा, इस तरह से देख सकते हैं यहाँ भी जो है आपको एक से एक ढोल जो है देखने को मिलेगा। आप देख पा रहे हैं इधर भी है, काफी छोटा बड़ा सब तरह का